हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारा है डे टू। आपको एक बार रिवाइज करती हूँ हम लोगों ने क्या कल क्या देखा था। तो कल हम लोग गए थे नॉर्थ हम्पी में, वो आता है कोपार डिस्ट्रिक्ट में। हम आए हैं विजयनगर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे दो सिटी टाइप पड़ता है, मतलब हम्पी और होस्पे। तो अभी आज हम लोग हम्पी घूमेंगे। हम्पी जो भी घूमेंगे ना आपको बताते जाएंगे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विरूपाक्ष टेम्पल। आया साउथ हम्पी देखने के लिए। बस ये हम्पी बस आ रहे हैं और यहाँ से 500 मीटर पूरा सोना चांदी सेल करता था पहले। सो हम्पी में 5 मार्केट, एक हम्पी बाज़ार, एक कृष्णा बाज़ार, एक विठल बाज़ार, एक पान सुपारी बाज़ार, सोलह बाज़ार। ये 5 मार्केट में फर्स्ट हम्पी बाज़ार मेन मार्केट था। सो ये विरूपाक्ष टेम्पल है। सो विरूपाक्ष मीन्स ये थर्ड अवतार में शिवा ने पंपापति बोल के, ये पंपा देवी दोनों मिलके यहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर बनाया था पहले। सो ये विजयनगर साम्राज्य में हिंदू साम्राज्य बोल के 1336 में स्थापना किया विजयनगर साम्राज्य। तो ये टावर आके 160 मीटर है। ये कॉन्ट्रैक्ट था बिस्टप्पा नायका बोल के, वो बिस्टप्पा नायका उसमें कॉन्ट्रैक्ट में ये टावर 160 मीटर है ना, ये टावर है ना उल्टा दिखता है। वो छोटा सा होल रहेगा अंदर, वो अंदर देखने का बाद है ना वो छोटा सा होल से उल्टा दिखता है ये टावर। सो अंदर है स्टोन का एलिफेंट, म्यूजिकल स्टोन एलिफेंट। और आगे सामने है ना जो विजयनगर साम्राज्य 1336 में हरियाणा बुक्कर आया दोनों राजा था पहले, उन्होंने पेंट किया पहले से विरूपाक्ष मंदिर हॉल पे। पूरा अवतार में क्या किया है ना, पूरा हिंदू का सब पेंटिंग्स किया है। सो अभी तक है ना 6 साल का पेंटिंग्स अभी तक जिंदा है अंदर। सो वो रिवर साइड आए तो तुंगा और भद्रा दोनों मिलके, राइट साइड पे जाए तो वहाँ से इंट्रेंस भी रहेगा। और तुंगा भद्रा पहले पंपा नदी था, अभी तुंगा भद्रा हो गया नदी। सो ये फेस्टिवल मार्च में होता है, हर उच्चार है और यहाँ पे कम से कम 10 लाख आदमी लोग आते हैं ऐसे उस चैरिट वो सब देखने का। तो ये हम्पी बाज़ार में स्पेशल क्या है ना, पहले बाज़ार ये सब बंद ना था, अभी पूरा बंद कर दिया। अभी तो कुछ खाली टेम्पल देखना पड़ेगा। तो आगे जाए तो जैन मंदिर और हनुमान टेम्पल्स और मूली विरूपाक्ष टेम्पल, इधर 2-3 चीज़ ऐसे अंदर वहाँ पर देख सकते हैं। गाइस, में आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। हम लोग कल जाएंगे जो गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करने के लिए। कोई बात नहीं, हम थोड़ा घर से दूर है पर यहाँ पे भी गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट हो रहा है। तो हम लोग अभी बापा का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो चलो आपको भी लेके चलते हैं। इस साइड से हम लोग अंदर आए हैं। यहाँ पे एक शिव मंदिर है अंदर, और यहाँ पे पिलर्स, हर पिलर्स पे आपको कार्विंग दिखाई देगी। उसी के साइड में भी यहाँ पे मंडप बना के हनुमान जी का मूर्ति है, और से अभी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है। ये देख लो, यहाँ पे एक मंडपम है और यहाँ पे आपको बहुत सारे बंदर मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड भी मिल जाता है, गाइड के लिए 300 है। तो देखते हैं हम लेते कि नहीं, थोड़ा सोचेंगे और फिर ले लेंगे। सगड़े में कौन है पाना नहीं है। ये देखो गाइस, छोटा सा बंदर कैसे नारियल खा रहा है, और उसपे एक आँख में भी कुछ प्रॉब्लम है, देखो। तो कौन सा
मेन टेम्पल है। यहाँ से आप ऊपर आएंगे ना तो यहाँ पे एक तो छोटा सा केव टाइप है, केव मतलब डार्क है। यहाँ पे आपको ना वीरपक्षा टेम्पल का उल्टा दिखेगा, मतलब अपसाइड डाउन। ये देखो यहाँ पे एक पुल है, देख रहे जो लोग जा रहे हैं ना वहाँ से आपको पूरा वीरपक्षा टेम्पल का ऊपर का साइड दिखता है। उसका इमेज जो है ना वो यहाँ पे क्रिएट होता है इस वाले वॉल पे। देखो उल्टा दिख रहा है ना आपको, अभी देखा। पे आप ना मछली देख सकते हैं, देख लो ये रहे मछली, बड़े बड़े हैं उसमें। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं वीरूपक्षा मंदिर से बाहर और अब दूसरी जगह पे जाएंगे। बहुत गर्मी है यार, हमने सोचा नहीं था कि इस महीने में भी इतनी गर्मी होगी करके, और बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक ही टेंपल घूमने के बाद थोड़ा अभी थकावट होने लगी है। हम्पी बाजार आने का अपना प्लेस है ना, वो दो एंट्रेंस है, एंट्रेंस से बड़ा कितना क्यों रहता था मालूम है, वो एलिफेंट आने का ऐसे रहता था एंट्रेंस। तो ये इधर आते टाइम पे ये भर्ती होने वो लोग थक जाते हैं ना, आते टाइम पे जो रुकने का ये मंडप बनाया है ये सारा।